अब नेक्स्ट टूल जो है इलस्ट्रेटर में वो है रोटेट टूल एंड रिफ्लेक्ट टूल। इसको कैसे यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। कंट्रोल एंड करके न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें इस तरह, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे रोटेट टूल तो देखें उसको रोटेट करता जाएगा। अच्छा, इसी का अगर हम ये कोड यूज़ देख लेते हैं, इसको डिलीट करें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्रिएट कर लिया। इसको क्रिएट करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करना और ऑल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे इसके एंकर पॉइंट पे क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद ये एक जो है इसका मेन्यू ओपन होगा कि कितने डिग्री एंगल पे आपने इसको रखना है। तो यहाँ से प्रीव्यू ले लो, तो ये देखें इसका एंगल जो है चेंज होता है, शो हो जाएगा। जैसे कि हम इसको 30 पे अगर करें, ठीक है, और इसको क्रिएटा कापी कर लो यहाँ से। ये क्रिएटा कापी करने के बाद यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करते जाओ, ठीक है। तो उसी तरह की जो है शेप जो है क्रिएट कर देगा, सेम वही एंगल उस पर लगाता जाएगा। अगर इसी को हम किसी और एंगल पे देखें, ऑल्ट और एंकर पे क्लिक, एंगल पे 61 पे देखते हैं इसको, क्रेटा कॉपी कर लो और कंट्रोल डी करते जाओ। देखें इस तरह भी उसके एंगल चेंज करके हम डिफरेंट शेप जो है क्रिएट कर सकते हैं।